न्यूज टाइम हैदराबाद। 12 बजे आज हल्के कारवान वो गोशा माइल के इलाके जात के अंदर हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवी साहब महबूब प्राइड की जानिब से, जनाब शेख हमीद साहब की जानिब से लॉकडाउन से लेकर आज की तारीख तक हर रोज़ गोशा महल इलाके जात के अंदर या टप्पा चपूतरा इलाके जात के अंदर जब भी दे रहे हैं 700-500 राशन किट दिए जा रहे हैं। और आज हबीब मिल्लत यहां पर आकर राशन किट का डिस्ट्रीब्यूट अमल में आया हबीब मिल्लत के हाथों से, जिसके बाद वहां से लेकर कर गोशा महल इलाके जात ताज फंक्शन हॉल के अंदर जो सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से वहाँ पर भी करीब करीब 500 राशन किट दिए गए। और वहाँ से लेकर कर AKM फंक्शन हॉल के अंदर जो जाकिर बाखरी साहब की जानिब से वहाँ पर कम से कम 500 राशन किट दिए गए। मैं इन हजरात का जनाब शेख हमीद साहब का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने लॉकडाउन के बाद हबीब नखीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हर रोज़ाना कहीं ना कहीं पर राशन किट दिए जा रहे थे। फिर एक मरतबा जनाब शेख हमीद साहब का, उनके तमाम ब्रदर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और जनाब जाकिर वाखरी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ मेरी जमात के जो सीनियर रुखा है और सदर मोहतरम की हिदायत पर लब्बैक कहते हुए हल्के कारवान के अंदर या गोशा महल के अंदर, चाहे वो गोलकुंडा हो या टोली चौकी हो या लंगर हाउस हो या कारवान का इलाके हो, जहां पर भी जो सरगर्म कारकुन हो या मुहिबान मजलिस हो, अवाम के दरमियान में रहकर अवाम की खिदमत कर रहे हैं, हर तरीक़े से अवाम को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और जनाब शेख हमीद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर एक मरतबा मेरे हल्के कारवान के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर्स का और साबिका कॉरपोरेटर्स का और कॉरपोरेटर्स का, मैं तमाम हल्के कारवान के तमाम कॉरपोरेटर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।